हिमाचल प्रदेश में चुनावों में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। वहीं राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल चुनावों में जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस कार्यालय शिमला में शिमला शहरी के सभी वार्डों के कार्यकर्ताओं के लिए बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। वहीं बैठक में शिमला शहरी विधायक हरीश जनाथा, महापौर और उपमहापौर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए बैठक में कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 महीनों में प्रदेश सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत होगी। वहीं 6 विधानसभा उपचुनावों में भी जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। चरणबद्ध तरीके से सभी हमारे विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग और इसी संदर्भ में हमारी शिमला शहरी के हमारे हरी जनाता जी जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, सभी पार्षदगण और समस्त आपकी शिमला शहरी क्षेत्र के हमारे जो सीनियर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गणी प्रकोष्ठों के सभी, चाहे उसमें महिला कांग्रेस की बात हो, सेवा दल की बात हो, युवा कांग्रेस, NSY, समस्त शिमला शहरी के हमारे सभी जो कर्मठ साथी हैं उनकी बैठक। और इसमें निश्चित रूप से जैसे आपने नॉमिनेशन की बात की उस बारे में तो अवश्य बात होगी होगी और बढ़ चढ़ कर हमेशा यहाँ से कंट्रीब्यूशन योगदान रहता है हमारी शिमला शहरी से। साथ ही साथ भविष्य में किस तरह से हमारे प्रत्याशी का माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कार्यक्रम जो हमारे शिमला शहरी इस लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र होने हैं, इसके बारे में विस्तार से बात की जाएगी। मेयर साहब, डिप्टी मेयर, सभी समस्त हमारे सभी सीनियर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और सारा मैं समझता हूँ आगामी जो 15-20 दिन है इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा ताकि जन जन तक जो हमारी 1-1.5 वर्ष की उपलब्धि वर्तमान सरकार की है और हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जिसमें मैं समझता हूँ जनहित की बहुत सी बातें हैं उसको जन जन तक पहुँचाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जो केंद्र सरकार के विशेषकर इनकी 2014 और 2019 जो इन्होंने बहुत सी झूठी घोषणाएँ की थी, इसकी बाद में उस घोषणाओं को जुमलों में तब्दील कर दिया था, उस पर भी मैं समझता हूँ जनता जनार्दन सभी बातों का मनन करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है शिमला संसदीय क्षेत्र ही नहीं समस्त हिमाचल प्रदेश की पार्लियामेंट सीट्स और जहां पर उपचुनाव 6 जगह हमारे हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, अधिकतर सीटों को जीतेगी। आप जानते हैं कि जहाँ तक छोड़ने की बात है उसमें किस तरह से धन बल का प्रयोग किया गया है और जयराम जी अगर बात करें उनको विशेषकर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल पर मैं सबसे ज़्यादा नज़र डालनी चाहिए। उन्होंने चाहे उपचुनाव की बात थी 2021 में वहाँ पर भी उनकी सत्ता थी, डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में प्रदेश में, उसके बावजूद भी चारों कोने चित्र आपके 2021 में हो गए थे। 22 में भी आप जानते हैं कि वहाँ पर कितना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा और अपने जयराम जी का अपना जितना समस्त मंत्रिमंडल था एक आध को छोड़कर पूरा ध्वस्त हुआ, धराशायी हुआ और पुनः मैं समझता हूँ 2024 में भी पार्लियामेंट और हमारे विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, अधिकतर सीटों को जीतेगी। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हमारी लोकसभा शिमला संसदीय सीट में रहा है, लेकिन आप साथ ही साथ अगर विधानसभा की बात भी करेंगे शिमला शहरी की, यहाँ पर भी लगभग कोई 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जीतते थे और इस दफा बड़े अच्छे अंतर के साथ जनाता जी जीते हैं, पार्टी के लिए शुभ संकेत है। शिमला शहरी की सीट हमने जीती है, अब हमारी पार्लियामेंट सीट की बारी और निश्चित रूप से इस दफा हम अपना कांग्रेस पार्टी का परचम शिमला संसदीय क्षेत्र में ले रहे हैं। आज ये शिमला शहर के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है और माननीय हमारे मंत्री और हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी श्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज हमने शिमला शहर से डोर टू डोर और कन्वेंशन का आगाज छेड़ लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है विधानसभा के इलेक्शन में और उसके बाद जो जो कार्य हुए हैं वो हम पब्लिक में लाएंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है और जिनको हमने यहाँ से पार्टी ने टिकट दिया है विनोद सुल्तानपुरी जी को हम अपने क्षेत्र से बढ़ चढ़ कर लीड देंगे। ये बात ऐसी है कि 10 वर्ष से बेशक काबिज नहीं हुई है पर लेकिन 2022 में लोगों ने हमें चुन के भेजा कांग्रेस के टिकट पे और उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो हमारे इलेक्शन हुए उसमें हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए। हमारे माननीय
सुरेंद्र चौहान जी मेयर बने और श्रीमती उमा कौशिक जी डिप्टी मेयर बने। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगले 10 वर्षों के लिए कम से कम कांग्रेस यहाँ पे काबिज रहे।